यूपी के दो जानी दुश्मन अब बन गए दोस्त। खत्म हो गई राजा भैया और मायावती की दुश्मनी। मोदी योगी ने खत्म कराई राजा और माया की दुश्मनी। दुश्मनी खत्म कर एक जगह एक साथ आ गए राजा और माया। चौंकिए नहीं, ये सच में हो रहा है। यूपी के दो जाने दुश्मन अब दोस्त बनने जा रहे हैं और ये सब संभव हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से। बताएंगे कि आपको कैसे और कहां ये दोस्ती हो रही है, लेकिन उससे पहले राजा भैया और मायावती की जानी दुश्मनी की कहानी सुन लीजिए। कैसे शुरू हुई राजा भैया मायावती में दुश्मनी। यूपी में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, एक समय ऐसा आया कि सरकार अस्थिर होने लगी। राजा भैया ने बीजेपी की सरकार बचाने के लिए कांग्रेस बसपा विधायकों को तोड़ लिया और कल्याण सिंह की सरकार बच गई। राजा भैया को कैबिनेट में जगह मिल गई। वहीं इससे पहले गेस्ट हाउस कांड में भी राजा भैया का नाम आ चुका था, हालांकि राजा भैया इससे हमेशा इनकार करते रहे, लेकिन मायावती की निगाहों में राजा भैया आ चुके थे। राजनीति चलती रही और फिर कुछ ऐसा ही 2002 में फिर हुआ, जब राज्य में बीएसपी और बीजेपी की सरकार थी। गठबंधन वाली सरकार डामाडोल चल रही थी। राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने का आश्वासन दिया तो बीजेपी ने मायावती की कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेज दिया। मायावती इस बात को कहां मानने वाली थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मायावती ने राजा भैया को सबक सिखाने की ठानी और 2002 में बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर राजा भैया पर पोटा लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने राजा भैया की कोठी पर भी छापा डलवाया, जहां से हथियार बरामद हुए। तालाब खुदवाया गया, उसमें से मगरमच्छ वाली कहानी सामने निकल कर आई। साथ ही राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह और राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को अपहरण और धमकी के मामले में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 2007 में भी राजा भैया पर मायावती की नजरें टेढ़ी रही और ये दुश्मनी बढ़ती गई। इसके बाद राजा भैया भी मायावती को सबक सिखाने के मूड में थे। साल 2018 राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने ऐसा खेल किया कि मायावती तिलमिला गई। दरअसल उस वक्त राजा भैया समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में थे। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए मायावती का सपोर्ट करने का मन बनाया था और राजा भैया का ही वोट डिसाइड करने वाला था कि मायावती राज्यसभा जाएंगी या फिर नहीं। इसके बाद राजा भैया ने मन बनाया कि वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के कहने पर वो वोट देने गए, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उस वक्त लिखा था, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग समाजवादी पार्टी। हालांकि जब राजा भैया वोट डालकर वापस आए तो सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। ये देख अखिलेश यादव इस कदर तिलमिला गए कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। नतीजन मायावती राज्यसभा नहीं पहुंच पाई। राजा भैया ने बयान देते हुए उस वक्त कहा था, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बीएसपी को सपोर्ट करूंगा। राज्यसभा न पहुंच पाने से मायावती भी बौखला गई और राजा भैया पर फिर कमेंट किया और इस तरह से दुश्मनी जारी रही। लेकिन अब ये दुश्मनी खत्म होने वाली है, क्योंकि देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुणागणित जारी है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक डिनर पार्टी देकर राजा भैया का वोट एनडीए के पक्ष में फिलहाल कर लिया है और बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर को भी एनडीए का समर्थन करने के लिए मना लिया गया है। वैसे भी आदिवासी समाज से उम्मीदवार होने के बाद मायावती कह चुकी हैं कि वो इन्हीं के लिए समर्थन करेंगी, मतलब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मायावती और राजा भैया दोनों साथ आ गए। जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि एक वक्त जो राजा भैया समाजवादी पार्टी को भी दरकिनार करने के लिए तैयार थे, लेकिन मायावती को वोट देना उनको मंजूर नहीं था, आज वही राजा भैया उसी जगह वोट करेंगे जहां बीएसपी का वोट जाएगा, मतलब एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। इससे साफ हो जाता है कि मायावती और राजा भैया के बीच चली आ रही खटास या कहें दुश्मनी थोड़ा बहुत तो खत्म होने की कगार पर जरूर आ गई है। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय। और राजभर भी थे जी हाँ, वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्णन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके आपके दो विधायक हैं, वो दोनों लोग अपना वोट डालेंगे।